गाइस फिर से एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं एपीजी यूनिट के बारे में, तो बहुत अच्छा समझ में आने वाला है और आपको हम डेमो करके भी दिखाएंगे और इसका एक्यूरेसी कितना होता है वो भी बताएंगे। गाइस ये टोटली एपीजी यूनिट है। गाइस इसके ऊपर आप देख सकते हैं एक रिंग लगा है जो माइनस और प्लस का सिंबल दिखा रहा है। यहाँ से एयर इनलेट होता है FRL यूनिट में। यहाँ पे दो यूनिट लगे हुए हैं और यहाँ से मीटर में प्रेशर शो करता है। उसके बाद इसके अंदर एयर इनलेट कर जाता है, जो कि आप देख सकते हैं यहाँ पे एक पाइप के द्वारा कनेक्शन किया गया है गेज के अंदर में। उसके बाद आप देख सकते हैं इसमें कुछ सिंबल दिखा रहा है जो आउटर डाया और इनर डाया का सिंबल लगा हुआ है, माइनस और प्लस का सिंबल है। और नीचे देख सकते हैं 0.001 mm लिखा हुआ है जो इसका टॉलरेंस है। CZ का ये एक्यूरेसी रखता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं अलग अलग तरह का गेज रखा हुआ है, तो हम अभी गेज से इसको वेरीफाई करेंगे और उसके बाद आपको चेक करके हम बताएंगे। अभी हम इस गेज को आउटर डाया के लिए सेट कर रहे हैं, तो आप देख सकते हैं 15 माइक्रोन प्लस में बता रहा जो नोगो का साइज है। तो अभी हम गो का साइज सेट करेंगे, जो कि आप देख सकते हैं माइनस में 19 माइक्रोन है। और आप यहाँ पे देख सकते हैं ये पाइप से कनेक्शन है और यहाँ पे हम प्रेशर को फ्लो होने से रोकते हैं, यानी कि दबा रहे हैं, तो आप देख सकते हैं ये रीडिंग गलत बता रहा है, जो कि एयर को फ्लो होने से रोक रहा था। और ये जो आप देख रहे हैं रेड कलर का, ये मार्किंग के काम करता है, ताकि हमें यहाँ पे पता चलता है उससे प्लस में नहीं जाना है। और ये PPG गेज है जिससे हम अभी सेट किए हैं। ये आप देख सकते हैं प्लस में 20 माइक्रोन और माइनस में 17 माइक्रोन दिखा रहा है इस गेज पे। इसी गेज से हम अभी सेटिंग किए हैं। ये नोगो का साइज है जिससे अभी वेरीफाई किए हैं। और यहाँ से एयर को एडजस्ट करते हैं, जो इसमें रीडिंग दिखाता है प्लस और माइनस में, उसको यहाँ से एडजस्ट करते हैं ताकि हमारा रीडिंग इसमें फिक्स रहे और सही दिखाएं। ये स्नैप गेज है और माइक्रोमीटर है और ये APG गेज है। तो चलिए आपको हम डेमो के तौर पे पीस को चेक करके दिखाते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे 0.0 बता रहा है गेज में। और एक बार दूसरा कंपोनेंट भी चेक करके देख लेते हैं, तो इसमें आप देख रहे हैं 1 माइक्रोन प्लस में बता रहा है। तो एक कंपोनेंट हम और डेमो के तौर पे लेते हैं और इसको देख रहे हैं, तो आप देख सकते हैं 4 से 5 माइक्रोन जो कि प्लस में बता रहा है। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताना, और वीडियो अच्छी लगी होगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अपने दोस्तों के पास शेयर भी करना। टाइम निकाल कर हमारा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आपको इससे क्या सीख मिली एक बार कमेंट करके हमें ज़रूर बताना। हम इसी तरह का वीडियो लेकर के आते रहते हैं जिससे आपको नॉलेज मिल सके।